अरे यार, ये अलार्म क्यों बज रहा है? मतलब अचानक से अलार्म क्यों बजने लग गया? मैंने अलार्म क्यों लगाया था? अच्छा हाँ, आज तो सिंचन को स्कूल ना भेजना है, आज वो पहला दिन स्कूल जाने वाला है। चलो यार, तब शुभ काम में देरी किस बात कैसे उठाता हूँ मैं। उठो सिंचन, ऑगी, जैक, आज हम लोग स्कूल जाने वाले हैं, जल्दी उठो जल्दी। ए रयान, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मैं स्कूल क्यों जाऊँगा? वैसे भी मेरा पढ़ाई तो ऑनलाइन चल रहा है, तो मुझे जाने का क्या ज़रूरत है? अजीब बात करते हो यार तुम रयान, फालतू को उठा दिए। और सिंचन जाने वाला है क्या? उसका तो कोई स्कूल ही नहीं है, वो कैसे जाएगा? अरे सॉरी सॉरी ऑगी, हम तुमको बताना भूल गए, बट हम सिंचन का भी एडमिशन करा दिए एक बहुत अच्छा स्कूल में। आई मीन वो स्कूल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और आज सिंचन जाने वाला है वहाँ वहाँ पर पढ़ने। तो यार सिंचन, तुम तैयार होना जाने के लिए? यार अंकल, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्या बताऊँ मैं आप सबको। गाइस यार, अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ। और आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग कौन से क्लास में हो, याद से बताना, और कौन से स्कूल में प्लीज। वो सब तो ठीक है, बट अभी मैं लेमन ले लेता हूँ, बिकॉज तुम्हें लेमन चाहिए ना ट्यूशन, आई मीन तुमको चाहिए ना टिफिन के लिए। और लेमन जूस वाले, चल लेमन जूस दे। आइयो अन्ना, मैं तुमको गन्ना से मारूंगा, बहुत मारूंगा, गन्ना से मार मार के तोड़ दूंगा, समझ ले। क्या तुमने मुझे क्या कहा? रुक जा, पहले तो सिंचन तुम ये अपने पास गिलास रख लो, अपने बैग के अंदर इस गिलास को डाल लो, उसके बाद ये वाला लेमन जूस का एक पूरा जार रख लो, पीते रहना, गर्मी आ रहा है ना तो पानी पीना ज़रूरी है। और दूसरी बात, ये मैंने इसे मार दिया, ये कैसे बात कर रहा था? मतलब कोई तमीज़ नहीं है, कभी स्कूल ही नहीं गया होगा, इसलिए जो स्कूल नहीं जाते हैं वो लोगों को कोई चीज़ का तमीज़ नहीं होता है। एडुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा। खैर अभी कोई नहीं, अभी तो हम लोग जाने वाले डूट मार्ट, बिकॉज हम लोग को टिफिन भी लेना है। आई मीन ऑफ कोर्स सिंचन को कुछ ना कुछ चाहिए ना खाने के लिए। ये बताओ सिंचन, के टिफिन के लिए तुम क्या लोगे? आई मीन टिफिन में क्या लोगे? यार अंकल, मैं तो बहुत सारा चीज लूंगा, और अपने फ्रेंड को भी मैं खिलाऊंगा। और यार अंकल, आपको मालूम है, थोड़ा सा जल्दी करिए क्योंकि मेरा स्कूल का टाइम हो रहा है। तो यार मुझे फ्रूट नहीं चाहिए, और ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए। उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पर कुछ एक अच्छा, हाँ यहाँ पर मिल्क है, तो मैं एक मिल्क लेना पसंद करूंगा। तो मैं डाल लेता हूँ इस वाले अंदर, मतलब कि इसके अंदर डाल लेता हूँ मिल्क को। चलो डला गया। इसके बाद मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे ये सैंडविच चाहिए, वेज सैंडविच, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उसमें चीज़ भी है, मज़ा आएगा इसे खाने में। और इसके बाद मुझे एक लास्ट चीज़ चाहिए, वो होगा ये वाला कुकी। आई वॉन्ट टू ईट कुकी, कुकीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, वो भी चौको वाला कुकी तो और भी टेस्टी लगता है। हाँ भैया, चलिए बताइए कितना हुआ? तुम गंदा लड़का है, तुझे ने मैंने नहीं दूंगा, तू गंदा लड़का है था रहेगा, निकल जा वरना चप्पल से मारूंगा, चप्पल से मारूंगा। यार ये क्या तरीका है, जहां हम जा रहे सब दुकान वाले हम लोग से ऐसा बात कर रहे, पता नहीं क्या हो गया। और तुझे क्या भाई यार, मुझ में अब ये मुझे गुस्सा दिला रहा है, ये ले कैसा लगा? और कहाँ भाग रहा है? ओए रुक जा यार, एक तो इसका शक्ल पता नहीं क्या है भाई साहब, पूरा सितारा सितारा बना हुआ है, कहाँ गया भाई? ओहो छुप छुप के भाग रहा है भाई साहब, कैमोफ्लेज हो रहा है, दीवार के अंदर घुसे जा रहा है। हाँ भाई, इंसान है कि क्या है भाई, दीवार के अंदर कैसे तू? ओ भाई साहब, दीवार आर पर कैसा इंसान है भाई, ये क्या चल रहा है? मतलब यार ये कितना ज़्यादा फनी है यार, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई साहब, कहाँ गायब हो जाता है ये? ओह इधर, तू तो ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है भाई। हाँ भाई, अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं भाई ये लोग। यार निकल, जल्दी चलिए ना, स्कूल का टाइम हो रहा है, मुझे तो नए नए दोस्त भी बनाने और टीचर से भी मिलना है। टीचर गुस्से वाले नहीं ना होंगे? मुझे तो डर लग रहा है, स्कूल के टीचर मारेंगे तो नहीं ना? नहीं यार सिंचैन, तुम लोग स्कूल के टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मार तो पहले ज़माने में थे, मतलब पहले मारते थे टीचर, अब थोड़ी ना मारते हैं यार, घटते ही नहीं मारते, कत्ता ही नहीं। वैसे अभी लेट हो रहा है, तुमको लेके जाना भी, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। आई मीन हम यहाँ पर क्यों आए, तुम्हारा स्कूल तो पीछे की तरफ है भाई साहब, अजीब अजीब हरकत कर रहे हैं हम। बट कोई नहीं, अभी हम लोग को थोड़ा सा जल्दी अपना काम करना होगा। वैसे भी हम लोग पास फार्मूला कार है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट, तो तुम्हारे स्कूल नाम यू चुटकियों में पहुंचा देंगे। और देखो आधा रास्ता तो हम लोग चल ही लिए, अब बस मुझे, वैसे हमको अच्छा से याद नहीं, बस इतना याद है मुझे, ये याद है कि यहाँ से मुझे अब ले लेना है लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट लेके थोड़ा सा सीधा चलते रहना है। आई मीन थोड़ा सा हम आगे गलती से आ गए थे, बट हाँ इस साइड जाना है, और ये तुम्हारा स्कूल आ गया, सामने की तरफ दिख रहा है ना सिंचन? यार ये अंकल, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। और गाइस यार, मैं आप लोगों से ना स्कूल से आकर मिलूंगा, अभी तो मैं स्कूल जा रहा हूँ ना, तो अभी तो मैं नहीं मिल सकता, जब मेरा छुट्टी हो जाएगा डिपार्चर टाइम मैं आप लोग से मिलूंगा, ठीक है ना? तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है? A few moments later.
भाई लोग तो यार देखो बात कुछ ऐसा है कि सिंचान अभी चला गया स्कूल में, बट अभी हम लोगों का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो हम लोग का मेन काम स्टार्ट हुआ है। सिंचान स्कूल में पढ़ रहा है और अभी हम लोग जैक से पढ़ने वाले हैं। आई मीन मुझे पता है आप लोग समझे नहीं होंगे, बट अगर आप लोग मेरा लास्ट वाला वीडियो नहीं देखे तो यहाँ से देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग को ना इवनलैन को पकड़ना था, क्योंकि इवनलैन ना हिप्नोटाइज करना स्टार्ट कर दी है। तो यार उसको ना मार के ना जल्दी उसको ना मतलब कि यार ख़त्म करना है, वरना वो बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। इसलिए अभी हम यहाँ पर आ गए साइंस लैब, बिकॉज साइंस लैब के अंदर ना जैक एक बहुत ज़्यादा मस्त एंटीडॉट बना रहा है, बहुत ही ज़्यादा मस्त। और ये किसका कॉल आ रहा है भाई साहब, देखना होगा मुझे। ओके तो ये सिंचन का कॉल है, बट सिंचन क्यों कॉल कर रहा है भाई, अभी कुछ पहले ही मिनट हुआ है उसको भेजे हुए स्कूल, अभी उसका कॉल आ गया, उठाता हूँ। खैर मैं, हाँ बोलो सिंचन, क्या हुआ, किस लिए कॉल किए हो? यार अंकल मैं क्या बताऊँ, यहाँ के टीचर बहुत ज़्यादा डरावने, वो लोग हम लोग को बहुत ज़्यादा मारे और बहुत ज़्यादा डराए। प्लीज़ अब आ जाइए, मैं माउंटेन के पास हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अरे वो आ रहे, मैं फ़ोन काट रहा हूँ। हेलो हेलो यार, कौन आ रहे? वो आ रहे बोल के काट दिया। आई थिंक सोना कि यार वहाँ के टीचर बहुत ज़्यादा फालतू हैं, अब वो मेरे हाथ चप्पल से मार खाने वाले। मतलब उसने सिंचान पे हाथ उठाया, कैसे कैसे? टीचर अच्छे होते हैं बट वहाँ के टीचर ऐसे कैसे कर सकता है? वो टीचर मतलब क्या फालतू टीचर है, सब टीचर एडुकेशन प्रोवाइड करते हैं और ये टीचर मार रहा, माउंटेन के पास क्यों लेकर गया, किडनैपर है क्या? और यार मैं तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मुझे वो टीचर तो दिखे मैं उसे निचोड़ दूंगा, कौन ऐसा कर सकता है? मैं भी तो देखूं किसके पास इतना दम जो सिंचान को मारा, कौन है? यार ये निकल पीछे देखिए, पीछे पीछे। अरे सिंचान तुम और ये तुम्हारे साथ कौन ढोलू बोलू टीचर है यार, ये दौड़ो एडम मोटी आंटी और ये कौन है? ओए तुम लोग क्यों परेशान करो बच्चे लोगों को, और ये सिंचान को तुम यहाँ क्यों लाए, उसको स्कूल भेजो, तुमको यहाँ तुम सिंचान को यहाँ पर क्यों लाए हो? तू कौन है बे, अपने काम से काम रख, हम लोगों का काम है बच्चा लोगों को किडनैप करके बेचना, तू औकात में रह वरना तू भी बेचा जाएगा, समझा? बहुत मारूंगा, बहुत बहुत ज़्यादा मारूंगा, औकात में रह। ओए तू मुझे जानता भी है कि मैं कौन हूँ? हाँ डूडपुर के लोग ना मेरा नाम सुन के डरते हैं, मैं रैयान हूँ समझा। सिंचान चलो मेरे साथ और अगली बार से ना औकात में रहियो। यार रैयान अंकल क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आप तो स्ट्रांग आदमी है तो इन लोगों को डांट के मुझे बचा लिए, बट मानिए कि अगर कोई कमज़ोर आदमी रहा वो क्या करेगा, वो थोड़ी ना इन लोगों से लड़ पाएगा। आप तो बहादुर है, आपके पास शोर से तो आप लड़ लिए, कमज़ोर आदमी क्या करेगा बताइए ना। टेंशन तुम क्यों ले रहे हो सिंचान, ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर अगली बार से मुझे कुछ भी पता चला ना इन लोगों के बारे में, मैं इन लोगों को खुद अपने हाथ से मड़ाक तबड़ाक, मतलब ये लोग बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और अभी तो मैं जा रहा हूँ डिटेक्टिव चड्डा मैन के पास, सारा उनको ये सब बात बताऊंगा कि ऐसा ऐसा चीज़ हो रहा है, फिर तो भाई साहब वो एक्शन लेंगे। और ये तो भाई साहब इतने ज़्यादा सोर्सफुल आदमी है ना कि ये तो अच्छे अच्छों का ना हालत ख़राब कर सकते हैं, तो मैं तो भाई साहब इनको बताने वाला उन लोगों के बारे में। और डिटेक्टिव चड्डा मैन क्या हाल, सब ठीक? अच्छा चड्डा मैन आपको मालूम है हम सिंचान को एक नया स्कूल में भेजे, वहाँ के जो टीचर लोग हैं ना वो उसे ना किडनैप करके माउंटेन के पास लेके जा रहे थे। अच्छा है कि सिंचान के पास फ़ोन था, उसने मुझे कॉल कर लिया, अगर फ़ोन नहीं तो बताइए क्या होता अब सिंचान के साथ, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? मैंने आज उसे छोड़ दिया, अगर वो अगली बार से ऐसा किया ना मैं उसे बहुत ज़्यादा मारूंगा। Dude, don't be so rude. मुझे भी उन लोगों के बारे में खबर हो रहा है, टेंशन मत लो, वो लोग को मैं बहुत जल्दी मार के डरा वरा के ख़त्म कर दूंगा, वो लोग कभी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, टेंशन मत लो, तुम चिल करो। चिल ही तो कर रहे यार, और कर ही क्या रहे। खैर वैसे थैंक यू, मैं जब भी आपके पास आता हूँ आप मुझे डिसअपॉइंट नहीं करते, उसके लिए थैंक यू। चलो भाई साहब मेरा एक काम तो हो गया, शिनचान तुम टेंशन मत लो, अब वो किसी के साथ भी बुरा नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात ये कि अभी मुझे जाना है किरिल के पास, बिकॉज आई वॉन्ट टू आक्स किरिल कि वो मेरे लिए वो वाला आर्मर का रेडी किया कि नहीं किया जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, क्योंकि मैंने उससे बोला था, आप लोग तो मालूम ही है गाइस, वो इवनलैन के वजह से मैंने उससे बोला था, अब देखा जाए चल के कि उसने रेडी किया भी कि नहीं किया। यार ये अंकल मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने ऐसा कर दिया, डिटेक्टिव चड्डा मैन को बता दिया, वरना यार वो लोग टीचर नहीं थे, वो लोग तो हैवान थे, वो लोग बहुत ज़्यादा डेंजर थे, कैसे कैसे वो मुझे पकड़ के लेकर गए, मुझे तो चोट भी लग गया, बट मैं तो स्ट्रांग बॉय हूँ ना इसलिए मैं रोया नहीं, और कोई बच्चा रहता तो रो देता, पर मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ। खैर कोई नहीं, चलो किरण अंकल के पास। गाइस यार अगर आप लोगों को पता हो ना वो लोग कौन टीचर था, आई मीन मुझे पता नहीं चला वो लोग कौन था, बट वो लोग बहुत ज़्यादा बदमाश था, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि वो लोग कौन है, अगर आप लोग पता हो उन लोगों के कुछ बारे में तो उससे मेरा भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा जानने में कि वो लोग कौन है। खैर अभी किरण से हम बात करते हैं,
और भाई किरिल, मेरा आर्मर का रेडी किया कि नहीं किया? मैंने तुम्हें बोला था ना रेडी कर देना, आई होप सो कि तुम कर दियोगे, तुम्हारा काम तो लेट नहीं होता है, तो कर दियो ना। हाय देखिए देखिए रियान, बात कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा डिले होगा बट गाड़ी आ जाएगा, मैंने ऑर्डर दे दिया, आप टेंशन मत लो। वो वैसे भी गाड़ी बस लिमिटेड बची हुई है, चार पाँच तो बची है, उसमें से एक तो आपको मैं देने वाला हूँ, आप टेंशन मत करो, आप कल परसों तक आना, आपको मिल जाएगी। हाँ ठीक है, चलो चलो मैं चलता हूँ, तब मैं परसों तरसों तक आके ले लूँगा। ओके वाले, तो मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। और गाइस आप लोगों को पता है कि आप लोगों को भी पता ही हो आप लोगों को क्या करना है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ। बाकी अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, और बस यारो चलो तब ठीक है, स्टे सेफ स्टे होम, चलो तब ठीक है यारो, अल्लाह हाफिज़।